कैसे हैं आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय मम्मी की किचन। यस, अपनी किचन तो नहीं कह सकती, मम्मी की किचन है। सो आज हम लोग करने वाले हैं कुकिंग। आज है 26th of December एंड आज मौसम भाई साहब बहुत तगड़ा हो रखा है, लाइक फॉग फॉग फॉग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मौके पे हम कुछ बनाएंगे अच्छा सा अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए, जिससे उनको अच्छा अच्छा फील हो। तो अब चलो शुरू करते हैं कि क्या बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती हैं दो प्याज, तो टमाटर और ये चार हरी मिर्च। ये बेसिक नीड होती है किसी भी सब्जी को या फिर कुछ भी बनाने के लिए। तो आज हम लोग क्या बनाएंगे? हम बनाने वाले हैं आज मटर पुलाव, जो कि मुझे पसंद है, मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये चावल। ये चावल को हमें अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसको भीगने के लिए रख देना है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। लाइक एक दो घंटा नहीं भिगाना होता, 15 मिनट भिगो के तुम उसको बना सकते हो। ओके, सो यस, अब हम ये कट करेंगे ये प्याज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो मैं ये प्याज कट कर रही हूँ, मेरी आंखों में से आंसू और मेरी नोजी दोनों आ रही है। प्याज काटने पे हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं प्याज में से क्यों क्यों करती है यार, नोजी भी ला देती है और वो हमें रुला भी देती है। ओह गॉड। ओके सो गाइस, देखो ये हमारी अनियंस कट के तैयार हो चुकी हैं एंड नाउ इट्स टर्न फॉर टमाटोज टू बी कट। ओके सो गाइस, देखो हमारे टमाटोज भी कट हो चुके हैं और अब हम काटेंगे। एक्चुअली हम इनको काटेंगे नहीं, हम इनको ट्रिम करेंगे। हरी मिर्च काटना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरे हाथों में लगी रह जाती है और फिर मैं उसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ, जिससे मेरे पूरे चेहरे पे मिर्च ही मिर्च हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई हम इनको सिजर्स के साथ ट्रिम करेंगे। तो पहले मैं सिजर्स निकाल लेती हूँ। यस, मुझे लग गई है, ये हैं हमारी सीजर्स और ये हैं हमारी हरी मिर्चें और हम इनको करेंगे ट्रिम। ओह शिट, दिस कैसे दिखाऊं मैं यार, कैमरा कैसे करूं मैं, रुक जाओ एक सेकंड। ऐसे करा और फिर ये थोड़ा नीचे। यस ठीक है, देखो ये है मेरी सीजर्स ली और ये हम इसको कर रहे हैं ट्रिम लाइक दिस। ये ट्रिक आप भी अपना सकते हो, क्योंकि मुझे हाथ गंदे करने अच्छे नहीं लगते, स्पेशली इन हरी मिर्च। ओके सो अब हम करेंगे कट पटैटोज। दीज पटैटोज, पुलाव में पटैटो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई मैं ये डालूंगी और इसके साथ हम डालेंगे मटर। मटर मैं अभी निकाल के लेके आऊँगी थोड़ी देर में, पहले हम ये पटैटोज को कट कर लेते हैं। अब हम लोग इस कुकर में हमारा पुलाव अच्छे से छौकेंगे। चलो ऑन करते हैं इंडक्शन। ऑन हो चुका है इसका, इसमें जो पानी है उसको पहले हम लोग इवेपोरेट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, जीरा और हमारे जितने मसाले हैं वो सब कुछ। ठीक है, सो यस, सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ओके सो एज यू कैन सी दिस इज ऑयल एंड दिस मच इज इनफ। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ओके अब हम डालेंगे जीरा और इतना जीरा, दिस इतना जीरा काफ़ी होगा। यस, हल्का सा और डाल देंगे थोड़ा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, आई मीन थोड़ी सी नहीं, जितनी हमने कट करी थी अनियंस।
अच्छे से फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम इसमें हल्का सा गार्लिक डालेंगे। ओके, तो अब हम डालेंगे इसमें ये टोमेटो और ग्रीन चिली। ओके, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये हमारा
भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसमें चेक करूँगी कि भाई इसमें नमक कम तो नहीं है। ऑब्वियसली नमक कम होगा तो पहले ही मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। चलो अब मैं इसको चेक करने के बाद इसमें इसको कवर करके इसमें सीटी लगा देंगे। सो यस, अब हमने इसको कवर कर दिया है और जब ये बन जाएगा हम इसको तब देखेंगे। सो यस, अब मैंने वो बन रहा है, मतलब हमारा पुलाव बन रहा है और तब तक मैं थोड़ा टीवी देख लूँ यार, थोड़ा सा मुझे यू नो सॉन्ग सुनने होते हैं। यस, हम सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद इतने में इसमें दो सीटी आ जाएंगी और फिर हम इसको सर्व करके खाएंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा बना है और टेस्ट करके ही बताऊंगी कि ये टेस्ट में कैसा लग रहा है। सो देखते रहो। ओके, सो यस, दिस इज माई पुलाव। ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में यार। चलो मुझे इसे टेस्ट करने दो, ठीक है, बाकी कब बाद में बताऊंगी। सो गाइस देखो, मैंने खाया मेरा पुलाव एंड इट वाज रियली रियली वेरी टेस्टी एंड इट वाज सो डिलीशियस, ज़्यादा बता नहीं सकती, मुझे तो बहुत मज़ा आया उसको खा के। और अब मैं अपना डेजर्ट ले रही हूँ विच इज़ दिस चोको पाय, इज माई फेवरेट। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।